नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं राम आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड दर्शन। एक्टिंग किससे सीखनी चाहिए और क्यों, इस तरह के जो सवाल हैं आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना। वो तो कन्फ्यूजन वाला स्टेट नहीं होता ये। देखिए क्या होता है कि जब आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, आप गूगल में जाते हैं, वहाँ पर आप टाइप करते हैं बेस्ट एक्टिंग क्लासेस इन मुंबई और पूरी लिस्ट आ जाती है। इतने इंस्टीट्यूट्स, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज दिखाई देती हैं, वो आपको और कन्फ्यूज कर देती हैं। कौन सा एक्टिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहाँ पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन आपको अच्छे से सिखाएगा, और सिखाने के बाद, अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सिखाने के बाद कौन आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा, कौन आपको एक्चुअल में सही इन्फॉर्मेशन देगा ऑडिशंस की, ऑडिशन वेन्यूज की। क्योंकि चलिए ट्रेनिंग तक तो फिर भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो थोड़ा बहुत आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको समझा देंगे, लेकिन जो जंग है ना, जो लड़ाई जो है, वो एक्चुअली ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होती है। कि ट्रेनिंग के बाद अब करें तो क्या करें, कहाँ पर जाएं, अरे किससे काम मांगे, ये सारी चीज़ें जो है एक अपकमिंग एक्टर को, एक उभरते हुए कलाकार को बहुत परेशान करती है। अगर आप भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये बहुत सारी बातें आती होंगी। तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट आपके दिमाग में रहता होगा, तो मैंने सोचा चलो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं और आपको डीपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट चुने जिससे आपको आसानी हो आगे बढ़ने में और आप वो सब सीख पाए जो आप सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग के नाम पर आपके साथ फ्रॉड ना हो और ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट मिले। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको बहुत सही इंसान चुनना होगा। सही इंसान इन द सेंस मैं एक्टिंग ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग ट्रेनर की बात कर रहा हूँ। आजकल क्या हो गया कि नो ऑफेंस टू द बिजनेस ऑफ एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और सही है, उनको करना भी चाहिए, बिजनेस करने का हक हर किसी को है। बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज हैं, लोग फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं और किसी के नाम पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो सही है, वो लोग बिल्कुल सही हैं, उनका बिजनेस करने का हक है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी के नाम पर, किसी के ब्रांड वैल्यू को देखते हुए, जैसे कुछ बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, कुछ बड़े डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं जिनके नाम पर इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप सिर्फ उनके नाम की वजह से, उनके ब्रांड नेम की वजह से किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो पहले आप ये सर्च करें कि वहाँ की फैकल्टीज कौन है, कौन सिखाता है वहाँ पर, और उससे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि वहाँ से जो लोग पास आउट होकर निकले हैं या जिन लोगों ने अपनी अपनी स्टडीज़ वहाँ से पूरी की हैं, कोशिश करिए किसी भी तरीके से आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाए, आप ये जान पाए कि एक्चुअल में उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, क्योंकि वो लोग आपको सही चीज़ बता पाएंगे कि क्लासेस में होता क्या था, आपको क्या क्या सिखाया जाता था, या फिर सिर्फ ब्रांड नेम दिखा करके आपसे पैसे लिए गए और आपको ऐसा लगा कि आप तो वहाँ को सीख ही नहीं पाए, 30-40 बच्चों के बैच में आप सिर्फ बैठे रह गए, आपको प्रैक्टिकल तक करने का वक्त नहीं मिला, आपको परफॉर्म करने का वक्त नहीं मिला, वक्त इन द सेंस आपको मौका ही नहीं दिया गया, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो ये कि जैसा मैंने आपको बताया, जो ट्रेनर है वो ट्रेनर की बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप किन से सीखने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। थैंक्स टू द डिजिटल मीडियम, आज YouTube की वजह से आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, शायद पहले के ज़माने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था,
लेकिन आज ये एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने घर में बैठे हुए मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं इसलिए आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिनसे सीखना चाहते हैं कि आपको उनकी बातें समझ में आ रही हैं, कि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और अगर आप श्योर हैं इस बात से, तो आपको उनसे ही सीखना चाहिए, रादर कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं तो उनसे आपको डर लग रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि वैसे किसी व्यक्ति से या वैसे किसी संस्था से आप ना जुड़ें, आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ें जहाँ पर आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो मेन ट्रेनर है जिनसे आप सीखने वाले हैं उनसे आपका कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग के बाद क्या ट्रेनिंग के बाद आपको वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, किस तरीके से आपको ऑडिशंस पे रिजेक्शंस मिलते हैं, किस तरीके से आपको प्रोसेस में आना होता है, आपको सिस्टम में आना होता है। देखिए आप देखेंगे तो कई सारे लोग आपको देखेंगे इंडस्ट्री में घूमते फिरते यहाँ वहाँ स्ट्रगल करते हुए, ऑडिशन देते हुए, हज़ारों लोगों की आपको भीड़ दिखाई देगी, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि उसमें से चुनिंदा लोग, 1, 2, 5, 10, 10,000 में से सिर्फ 100 लोग ऐसे होते हैं जिनको काम मिलता है और बाकी लोग सिर्फ भीड़ बन कर यहाँ पर घूमते रहते हैं या फिर मुंबई से लौट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है आपको ये चीज़ जाननी और समझनी होगी कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, और ये रियलिटी से आपको रूबरू वही करवा सकता है जो खुद इस भीड़ का हिस्सा रह चुका था, जो इस भीड़ से निकल कर आया है, जिसने ग्राउंड रियलिटी को देखा है, जिसने खुद स्ट्रगल किया है, जो खुद ऑडिशंस में भटका है, जिसने गलतियां की हैं और गलतियां करके उनसे सीख ली है। तो वही इंसान जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो ग्राउंड लेवल पे जुड़ करके काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री में ऑडिशंस दे रहा है, जिसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज, सही प्रोसेस और सही सिस्टम के बारे में बता पाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि शायद ही आपको कोई इसके बारे में बताएगा। इंडस्ट्री में काम करना है तो एक्टिंग तो आनी ही चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको सिस्टम में आना होगा, आपको एक प्रोसेस में आना होगा। ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें आप एक बार अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सिस्टम फिर आपको आगे चलाएगा। एक प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व होना होगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस 6 महीने के प्रोसेस में, उस सिस्टम में आने के बाद 7वें महीने से आपका किस तरीके से काम बहुत ही रफ्तार से चालू हो जाएगा और आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिस्टम, प्रोसेस और उस इंसान का आपसे तालमेल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।